दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रितेश LIC एडवाइजर। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपके सहयोग से आपका यह चैनल रितेश LIC एडवाइजर आज की डेट में 50,000 से ऊपर के सब्सक्राइबर्स को अर्जित कर चुका है, और बधाई इसलिए कि चैनल आपका, उपयोगिता भी आपकी है। तो जब चैनल आपका है और यह ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो का जो प्रेजेंटेशन है, इसके जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे चैनल की 5 कौन सी वीडियोस है जिसको आप लोगों ने सबसे ज्यादा देखा है। 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक के लोगों ने किन किन वीडियोस को देखा है, पसंद किया है, आज उन वीडियो को मैं देने जा रहा हूं, उनकी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं कहूंगा कि आप एक बार जरूर उस वीडियो को देखें। साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन वीडियोस को मैं देने जा रहा हूं, उसमें जो कॉम्बो प्लानिंग है उसकी जानकारी भी इसमें आपको दूंगा, आखिरी में उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर वीडियोस देखते हैं, कॉम्बिनेशन प्लानिंग देखते हैं, और उसमें आपको समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सा प्लान इंक्लूड किया गया है, तो फिर मैं यह कहूंगा कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। निश्चित रूप से इसका लाभ आपको होगा, सीधे आपकी इनकम पर इसका असर पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो सबसे पहली वीडियो, जिसको कि सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है, लगभग 5.5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। वीडियो को अगर आप ऊपर से देखेंगे ना, तो इसका जो थंबनेल दिखाई देगा वो बड़ा थोड़ा सा पुराना टाइप का है। LIC में जमा करें सिर्फ एक बार और 4 गुना पाएं। तो यह जो वीडियो है, इसको सबसे ज्यादा लोगों ने व्यू किया है। सच कहिए तो इस वीडियो के लिए मैंने वास्तव में उतनी मेहनत की भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने अच्छा पसंद किया। तो यह जो वीडियो है हमारे चैनल की, यह नंबर 1 पर है। दूसरी वीडियो की अगर बात करें, तो हमारे चैनल पर जो सबसे ज्यादा देखी गई दूसरी वीडियो है, वो है बिटिया के विवाह के लिए बचत कैसे और कहां करें। इसको करीबन 1.7 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा हुआ है। निश्चित रूप से अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो डायरेक्टली आपके इनकम को ग्रो करने की ताकत रखती है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तीसरे नंबर पर, अगर जो वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट है, वो है युवा पेंशन योजना। इसको करीबन 1.1 मिलियन से अधिक लोगों ने इस वीडियो को देखा हुआ है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि काफी लोगों की कंफ्यूजन रही है कि इसमें कौन कौन से प्लान ऐड हैं। तो युवा पेंशन योजना में कौन से प्लान ऐड हैं, इसकी जानकारी मैं अभी थोड़ी देर में आपको दूंगा। इसके बाद अगर बात करें चौथे नंबर पर कौन सी वीडियो है, तो चौथे नंबर पर है इस तरीके से अगर प्लान को बताएंगे तो ग्राहक नहीं बोल ही नहीं सकता। इसको करीबन 1 मिलियन लोगों ने व्यू किया हुआ है। हालांकि ये वीडियो बहुत ज्यादा दिन की नहीं, हम समझते हैं कि शायद 2 या 3 महीने के अंदर ही 1 मिलियन व्यूअर्स इस वीडियो के ऊपर हैं, और यह वीडियो भी बहुत काम की है, काफी फायदे की है। इसमें क्या है ऐसा, अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। इसके बाद अगर 5वें नंबर पर अगर बात करूं, तो 5वें नंबर पर वीडियो है LIC की यह योजना बैंक की FD से ज्यादा रिटर्न देगी। यह भी वीडियो मैं समझता हूं कि शायद मैंने मार्च में इसको पोस्ट किया था, और करीबन 94,000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को सर्च किया हुआ है। तो वास्तव में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, तो इसमें जो जानकारी दी गई है, अगर आप उस तरीके से अगर कस्टमर के साथ डिस्कस करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट आपको होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आइए अब हम बारी बारी से जो वीडियोज है उसमें क्या खास है, क्या जानकारी है, कैसे आप उसका लाभ ले सकते हैं, इसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो है बेस्ट सिंगल प्रीमियम प्लान। इस प्लान को देखने के बाद करीबन जो पुराने विक्रेता है, मैं तो समझता हूँ कि उनको जानकारी हो ही जाती है कि कौन सा प्लान इस वीडियो में डिस्कस किया गया है, किस प्लान के विषय में प्रेजेंटेशन दिया गया, इसकी जानकारी हो जाती है। लेकिन खासतौर से जो हमारे नए विक्रेता मित्र हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होती है कि कौन सा प्लान इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए आपको इस झंझट से हम मुक्त करते हैं, हम डिस्क्लोज करते हैं कि कौन सा प्लान इसमें इंक्लूड है। तो इसमें इंक्लूड है LIC की सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। कैसे? तो सबसे पहले हम इस प्लान के विषय में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, अगर 817 नंबर टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि इसका जो बोनस रेट है, 10 से अगर 15 साल की पॉलिसी अगर आप कस्टमर की करते हैं, तो उस पर LIC 41 रुपए प्रति हजार बोनस दे रही है। 16 से 20 साल में 46 रुपए प्रति हजार है, और 20 साल से अगर ऊपर की पॉलिसी ली जाती है, देन
जो बोनस दर है सबसे हाईएस्ट है 51 रुपए प्रति हजार का। अब यदि बात करें तो यदि सम इश्योर्ड की अगर बात की जाए, यानी 3 लाख का सम इश्योर्ड अगर हम लेते हैं, तो 3 लाख का सम इश्योर्ड लेने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, हमको कस्टमर को अगर ज्यादा बेनिफिट देना है तो हमको 2 चीजों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये तो सिंगल प्रीमियम प्लान है। लेकिन अगर रेगुलर प्रीमियम की ही बात करें तो 2 तरह से कस्टमर को पूरे लाइफ, मतलब जितने टर्म की पॉलिसी होगी पूरे टर्म में कस्टमर को बेनिफिट होगा। जैसे मैं मान के चलिए, अगर हम उसको पॉलिसी ईयरली देते हैं तो सबसे ज्यादा मॉड रिबेट उसमें मिलेगी, और अगर हायर सम इश्योर्ड रिबेट को अगर देखा जाए तो जिसमें सबसे ज्यादा रिबेट है उसको अगर हम कस्टमर को देते हैं तो उसमें क्या होगा, कस्टमर की प्रीमियम सबसे ज्यादा कम आएगी। तो जब भी आप किसी कस्टमर से बात करते हैं किसी पॉलिसी की सेलिंग करने के लिए, तो इन 2 मुद्दों पर कस्टमर से जरूर चर्चा कीजिए, मॉड रिबेट की और हायर सम इश्योर्ड रिबेट की। जैसे सपोज दैट कोई पॉलिसी 814, 815, 833, 836, जो भी पॉलिसी आपको पसंद हो, जब आप कस्टमर से डिस्कस करने बैठेंगे तो कस्टमर अगर सपोज दैट कस्टमर लेना चाहता है पॉलिसी 3 लाख रुपए की, लेकिन 3 लाख से जो भी पॉलिसी आप सेल कर रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, अगर 5 लाख रुपए पर हायर सम इश्योर्ड रिबेट ज्यादा है, तो आप कस्टमर को 3 लाख का प्रेजेंटेशन दिखाइए और उसके बाद 5 लाख का प्रेजेंटेशन दिखाइए। प्रीमियम को आप कैलकुलेट कीजिए, मैच्योरिटी को आप कस्टमर को दिखाइए, 5 लाख की प्रीमियम को भी कैलकुलेट कीजिए और उसकी भी मैच्योरिटी को कस्टमर के सामने दिखाइए, और कस्टमर को डिसीजन लेने दीजिए कि 3 लाख की पॉलिसी वो लेना चाहता है या 5 लाख की पॉलिसी लेना चाहता है। सपोज दैट आपकी सिर्फ इस कोशिश की वजह से 3 लाख की पॉलिसी अगर 5 लाख में कन्वर्ट होती है तो आप 5 लाख के बेनिफिट में आप हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर कोई कस्टमर सपोज दैट क्वार्टरली पॉलिसी लेने की बात कर रहा है, तो क्वार्टरली और ईयरली को अगर आप देखते हैं, क्वार्टरली और ईयरली का डिस्कस अगर करते हैं और वहां प्रीमियम को कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि सपोज दैट 21 साल में क्वार्टरली प्रीमियम कस्टमर जमा करता है तो कितना प्रीमियम आएगी, और ईयरली अगर पॉलिसी को चेंज करता है तो 21 साल में प्रीमियम कस्टमर को कितना देनी होगी और कितना अंतर कस्टमर का कितना फायदा हो रहा है अगर कस्टमर के सामने दिखाएंगे, और पॉलिसी ईयरली अगर आपकी होती है तो देखिए आपका बेनिफिट क्या होता है, आपको सर्विसिंग सबसे ज्यादा कम करनी पड़ेगी, कस्टमर के पैसे सेव होंगे। और अगर पॉलिसी आप ईयरली कर रहे हैं या हाफ ईयरली कर रहे हैं, देन वैसी पॉलिसियां लैप्स कम होती हैं। और अगर आप क्लब मेंबर होना चाहते हैं तो ईयरली जो पॉलिसी है वह आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आइए अब हम मुद्दे पर चलते हैं बेस सिंगल प्रीमियम प्लान के लिए। तो यदि हम 817 नंबर टेबल को अगर आप देखेंगे तो इसका जो हायर सम इश्योर्ड रिबेट है 1 लाख से 1,95,000 तक का अगर बीमा कस्टमर लेता है तो 18 रुपए प्रति हजार सम इश्योर्ड में कस्टमर को रिबेट मिलेगी। 2 लाख से 2,95,000 तक का अगर कस्टमर बीमा ले रहा है तो 25 रुपए प्रति हजार बीमा धन में कस्टमर को छूट मिलेगा। इसी तरह से 3 लाख या उससे ऊपर का अगर कस्टमर बीमा कराता है प्लान नंबर 817 तो सबसे ज्यादा रिबेट है 30 रुपए प्रति हजार। यानी अगर हमको इस बेस पर कस्टमर से डिस्कस करना है, बात करना है, तो हम कस्टमर से बात करेंगे 3 लाख से ऊपर के बीमे, उसमें क्या होगा, कस्टमर की प्रीमियम सबसे कम हो जाएगी और जितना ज्यादा टर्म देंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने देखा अभी कि 20 साल से ऊपर के टर्म में 51 रुपए प्रति हजार का बोनस दर है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं प्लान का टर्म 21 साल, कस्टमर की जो एज है हमने 30 साल ले ली है, और जो प्रीमियम आता है कस्टमर का वो आता है 1,56,938 रुपए। लेकिन दोस्तों जब आप कस्टमर के सामने जाते हैं तो कस्टमर 2 चीज पूछता है, उसको ज्यादा मतलब नहीं होता, उसको पूछता यह है आपका कस्टमर कि भैया हम कितना जमा करेंगे और हमको मिलेगा कितना। हम कस्टमर से बात क्या करते हैं कि सर आप 3 लाख का बीमा कराओगे तो आपको 6,51,300 रुपए रिटर्न होंगे। कस्टमर को समझ में आता है यार 3 लाख रुपए का बीमा कराएंगे 6,51,000 मिलेगा, क्या फायदा, 2 साल 21 साल हम वेट करेंगे, कोई फायदा नहीं है। लेकिन यदि आप बात करते हैं कि सर आप जितना जमा करोगे ना उसका लगभग 4 गुना आपको रिटर्न होता है 21 साल में, तो दोनों में कौन सी बात कस्टमर के दिल को ज्यादा टच करेगी, कस्टमर को ज्यादा मोटिवेट करेगी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब कस्टमर से बात करें तो कस्टमर को बीमा धन समझ में नहीं आता है, कस्टमर यह समझना चाहता है कि भाई हम आपको कितना देंगे, आपसे हमको कितना मिलेगा। हम कस्टमर से कहते हैं कि सर आप जितना जमा करोगे उसका 21 साल में 4 गुना रिटर्न होता है, साथ में रिस्कवर जो है वो आपको मिलेगा। इन केस पॉलिसी के बीच में अगर आपके साथ कोई कैजुअल्टी होती है तो मेरी LIC आपके जीवन साथी को या आपके नामनी को इतने पैसे का सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट कर देगी। इस तरह से आप कस्टमर से बात कर सकते हैं। अगर दूसरा अगर उदाहरण लें कि अगर हम पॉलिसी को 16 साल की देते हैं, 16 साल की अगर पॉलिसी देंगे तो उस समय प्रीमियम जो आएगी वो आएगी 1,85,000
592 रुपए। हम कस्टमर से ज्यादा कुछ नहीं बोलते, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि सर आप LIC की जो यह पॉलिसी है आप इसको ले लो, आप जितना जमा करोगे 16 साल में इसका लगभग 3 गुना आपको रिटर्न होगा, 3 गुना से थोड़ा सा कम। आप देख लीजिए प्रेजेंटेशन में, आप इसको कैलकुलेशन करके देखिए, 3 लाख का आप सम इंश्योर लीजिए, 30 साल की एज, थोड़ा सा एज कम ज्यादा होने पर प्रीमियम कम और ज्यादा हो सकती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा होमवर्क आपको करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से आप बात करते हैं कस्टमर से तो ये चीजें कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं कि भाई हम अगर यहाँ पर जमा कर रहे हैं तो है क्या कि 3 गुना रिफंड भी हो रहा है, साथ में रिस्क कवर भी है, मतलब फैमिली की सिक्योरिटी भी है। तो कस्टमर आपकी बात को समझेगा और सुनने की कोशिश करेगा, सिर्फ आगे मोटिवेशन करने का काम, मोटिवेट करने का काम तो आपका है। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 10 साल की पॉलिसी की, हम कहते हैं कि सर अगर आप 10 साल की पॉलिसी लेते हो ना तो लगभग आपका पैसा दुगना हो जाएगा। तो इस तरह से बेस सिंगल प्रीमियम प्लान की जो वीडियो है आप उसको देखिए, उसमें बताए गए जो तरीके हैं, हालांकि काफी पुरानी वीडियो मैंने बताई है लेकिन यह वीडियो काफी अच्छी है, उपयोगी है, आप उसको देखिए, बताने के तरीके को आप अप्लाई कीजिए, यदि उससे बेहतर तरीका आपके पास है तो उसको अप्लाई कीजिए और करने के बाद आपको इससे क्या सफलता मिली आप इसको हमारे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो दूसरी वीडियो है, यह वीडियो भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, बिटिया के विवाह के लिए बचत कैसे और कहां करें। इस वीडियो में मैंने टारगेट किया हुआ है कि अगर बच्ची की शादी करनी है तो शादी करने में हर माता पिता, अगर एक अच्छे घर में शादी करना है और वो गिफ्ट के रूप में बच्ची को कोई 4-व्हीलर देना चाहता है तो उसको टारगेट करके मैंने इस प्लान को प्रेजेंट किया हुआ है। इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखें। हालांकि इस प्लान को कई तरीके से लोग सेल करते हैं, जैसे कन्यादान के रूप में ज्यादा सेल की जाती है पॉलिसी को, लेकिन यहाँ पर है क्या, यहाँ मैंने जीवन लक्ष्य पॉलिसी और अनमोल जीवन दो प्लान को मैंने लिया हुआ है। ये दोनों प्लान की खासियत यह है कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी अगर आप देते हैं इन केस कस्टमर के साथ कोई कैजुअल्टी होती है तो एक रेगुलर इनकम कस्टमर की बन जाएगी, जिसका उपयोग जो कस्टमर का नामनी है बच्ची की भविष्य की पढ़ाई लिखाई इत्यादि में कर सकता है। जितने का जीवन लक्ष्य पॉलिसी आप दे रहे हैं उतने का ही प्लान नंबर 822 अनमोल जीवन आप कस्टमर को दे दीजिए। तो होगा क्या कि अगर कस्टमर के साथ कोई कैजुअल्टी होती है, दिन जितने का आपने बीमा दिया हुआ है कस्टमर को, अगर अनमोल जीवन का जो पेमेंट है वो तत्काल कस्टमर के नामनी को हो जाएगा, अगले साल से जीवन लक्ष्य योजना का जो रिटर्न है वो कस्टमर को मिलने लगेगा और जो पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी के समय जीवन लक्ष्य पॉलिसी की जो मैच्योरिटी क्लेम होगी वो रिटर्न हो जाएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, मैं उसको बता दूंगा। यहाँ पर एक चीज और यूज किया जा सकता है, जीवन लक्ष्य योजना में अगर आप 5 लाख या उससे कम का बीमा देंगे तो उस कंडीशन में आप अनमोल जीवन नहीं दे पाएंगे क्योंकि अनमोल जीवन 6 लाख या उससे ऊपर का हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जीवन लक्ष्य में ही टर्म राइडर जो है आप उसको दे दीजिए, जो DAV है, मुझे लगता है कि DAV से ज्यादा बेहतर जीवन लक्ष्य पॉलिसी में टर्म राइडर है। वहां पर एक समस्या आपके सामने होगी कि उस पॉलिसी का मेडिकल कराना होगा, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर कस्टमर आपका स्वस्थ है आप उसका मेडिकल कराइए और सही बीमा कीजिए, ताकि सही बीमा करने से आपके एजेंसी करियर में आपके लिए कभी समस्या नहीं होगी। तो आप मेडिकल करा दीजिए कस्टमर का और अनमोल जीवन और जीवन लक्ष्य दो देते हैं तो आपका बेनिफिट ये होगा कि कस्टमर एक होने के बावजूद आपको दो पॉलिसी मिल जाएगी। तो यदि कोई आपके ब्रांच में कोई टारगेट चल रहा है, कोई कंपटीशन चल रहा है, तो उस कंपटीशन को आप इस योजना के तहत आप अचीव कर सकते हैं। और मैं तो यह कहूंगा कि आपके जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं जिनका बीमा आज तक आपने किया हुआ है, उन सभी के साथ आप सीधा सा ही एक बात कर सकते हैं, बिटिया को शादी में 4-व्हीलर गिफ्ट करने के लिए एक प्लान आया हुआ है, अगर टाइम हो तो आप समय दीजिए, हम आपको बता रहे हैं। तो जो यह वीडियो है इस वीडियो को आप देखिएगा, बिटिया के विवाह के लिए बचत कैसे और कहां करें, और जिस जैसे उसमें मैंने बताया है वैसे आप डिस्कस करके देखिएगा रिजल्ट क्या होता है, आप हमारे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं अगले प्लान की। तो सबसे ज्यादा पसंद जो किया गया है हमारे चैनल पर युवा पेंशन योजना, इसको जो सबसे ज्यादा लोगों ने डिसलाइक किया वो सिर्फ इसलिए किया, जो मुझे लगता है, जो मैं महसूस करता हूं कि युवा पेंशन योजना में मैंने पेंशन योजना की सारी जानकारी तो दी लेकिन उसमें कौन से प्लान इंक्लूड किए गए हैं, वह प्लान कैसे वर्क करता है, इसकी जानकारी उसमें नहीं थी। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको दुख हुआ, तकलीफ हुआ, उसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, युवा पेंशन योजना में मैंने प्लान नंबर 815 को मैंने लिया हुआ है 9 लाख रुपए का, और मैक्सिमम टर्म यानी 35 ईयर का टर्म मैंने इसमें ले लिया है। युवा पेंशन योजना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर किसी की एज 20 साल से लेकर 30 साल 35 साल के बीच में है तो उसको तत्काल पैसे की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पेंशन
की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो हमको एक लॉन्ग टर्म मिल जाता है। जब लॉन्ग टर्म मिल जाता है तो उसका दो फायदा होता है। पहला फायदा ये होता है कि कस्टमर की प्रीमियम जो आती है वो मिनिमम आती है, और जो रिटर्न होता है, चूंकि लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है तो रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो बोनस दर होगा 815 नंबर टेबल का, वह कस्टमर को रिटर्न होगा। अब है क्या कि जब 815 नंबर टेबल की, जैसे हमने 35 साल का टर्म ले लिया है, तो 35 साल के बीच में इस पॉलिसी का जो रिस्कवर है वो रिस्कवर कस्टमर को मिलता रहेगा। उस क्लाइंट को रिस्कवर का फायदा होगा। इनकेस अगर कोई कैजुअल्टी होती है तो उस सिचुएशन में उसके नॉमिनी को पैसे रिफंड हो जाते हैं। अब होता क्या है कि इस पॉलिसी को नॉर्मली तौर पर चलने दीजिए, जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो इस मैच्योरिटी को हम कन्वर्ट कर देते हैं प्लान नंबर 189 में, यानी जीवन अक्षय 6 में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। युवा पेंशन योजना की चर्चा या पूरी तरह से आप कस्टमर के सामने कीजिए, जैसा कि वीडियो में बताया गया है। आप उस तरह से कस्टमर से चर्चा कीजिए, जब आपका कस्टमर पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाए तो फॉर्म भरते समय आप सारी की सारी जानकारी कस्टमर से डिस्क्लोज कर दीजिए कि सर इसमें हम ये प्लान नंबर 815 ले रहे हैं जिसके बेनिफिट यह है। इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी होगी उस मैच्योरिटी को हम कन्वर्ट करेंगे जीवन अक्षय 6 में, और उससे आपको पेंशन मिलेगा। अब एक चीज आपके मन में सवाल हो सकता है कि जीवन अक्षय 6 अगर उस समय नहीं हुआ तो? दोस्तों, जीवन अक्षय 6 नहीं हुआ तो कोई योजना होगी जीवन अक्षय 6 की तरफ से, जिसमें कि एक मुश्त पैसा जमा कीजिए और उससे रिटर्न हो। सपोज दैट वह भी नहीं हुआ, आपके मन में एक तीसरा सवाल हो सकता है कि जो हम रिटर्न बता रहे हैं अगर उस समय जीवन अक्षय 6 के वह रिटर्न नहीं हुए तो कस्टमर के पास एक अमाउंट इकट्ठा है। जब पॉलिसी मैच्योर्ड होती है तो यदि कस्टमर को लगता है तो उस पैसे को वह ले सकता है। अगर उसको लगता है कि कहीं किसी बैंक में, कहीं पोस्ट ऑफिस में, या कहीं दूसरी संस्था में, या LIC में ही, जहां उसको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा हमको रिटर्न मिलेगा, हमको फायदा है, उस जगह कस्टमर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। तो युवा पेंशन योजना में प्लान नंबर 815 लिया गया है। 9 लाख का बीमा है। आप इसी हिसाब से अगर चाहे तो सम इंश्योर्ड और बढ़ा या घटा सकते हैं, और उस हिसाब से जो उसकी मैच्योरिटी है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 189 में। अब होता क्या है कि 189 जब कस्टमर ले लेता है तो कस्टमर को आजीवन पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, और जब कस्टमर नहीं होता है तो उसका जो पैसे होते हैं, मतलब 189 का जो NCO अमाउंट है, वो वापस होता है उसके नामनी को, और 815 नंबर का जो सेकेंड मैच्योरिटी है वह रिटर्न होता है। तो युवा पेंशन योजना मुझे लगता है कि अब अगर आप कस्टमर के सामने डिस्कस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यह जानकारी है कि कौन सा प्लान इंक्लूड है, और अब कस्टमर के सामने डिस्कस करके इस पॉलिसी को आप सेल कीजिए, इसका बेनिफिट आप लीजिए। तो दोस्तों, एक चीज कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप, युवा पेंशन योजना को, क्योंकि जिन जिन अभिकर्ताओं ने इसकी जानकारी ली है उन अभिकर्ताओं ने इसको बहुत अच्छा सेल किया है। आप इसको बहुत बढ़िया सेल कर सकते हैं। आप इसको ट्राई कीजिए, फील्ड में कस्टमर के साथ डिस्कस कीजिए, और रिजल्ट क्या आता है इसको आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद जो वीडियो आती है वो आती है एक तरीका जो ग्राहकों को पॉलिसी लेने पर मजबूर कर देगा। यहाँ भी जो प्लान है ना, इसको थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से बस प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी और अनमोल जीवन 2, यानी जो बिटिया विवाह योजना, कन्यादान योजना है, सेम वही चीज है, बस प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। बिटिया विवाह योजना में मैंने टारगेट किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मैंने टारगेट किया हुआ था गाड़ी के लिए, कि अगर 4-व्हीलर गिफ्ट करनी है तो। यहाँ पर टारगेट किए हैं विवाह के लिए, कि शादी के लिए अगर आप पॉलिसी लेते हैं। इसके बाद अगर आप इस पॉलिसी को नहीं लेते हैं या अगर आप इसमें विलंब करते हैं तो आपके सामने क्या क्या समस्या हो सकती है, इसको मैंने इस वीडियो में बताया है। लेकिन प्लान सेम वही है, जीवन लक्ष्य और अनमोल जीवन 2। इन दोनों प्लान को, मतलब प्लान नंबर 833 और प्लान नंबर 822, दो का कॉम्बिनेशन है, या तो फिर जीवन लक्ष्य पॉलिसी में ही टर्म राइडर को लेकर आप इस प्लान को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह भी वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसको भी देखिएगा। इसमें जो बताए गए तरीके हैं ये इतने बेहतरीन तरीके हैं कि मैंने इस वीडियो में जान डाल दी है। अपनी ओर से मैंने कोशिश किया है कि अगर आप इस हिसाब से कस्टमर से बात करें तो निश्चित रूप से कस्टमर यह सोचने को मजबूर हो जाएगा कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो की जो भी वीडियो है उनकी जो लिंक है मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप वहां से आप इस वीडियो के लिंक को आप ले सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा वीडियो देखी गई थी, 5वें नंबर पर जो वीडियो है वो है LIC की यह योजना बैंक के फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा देगी। इस वीडियो में मैंने बैंक की FD की जो इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट हैं, आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, उसके बाद जो टीडीएस कटता है इत्यादि चीजों को लेकर और जीवन लाभ पॉलिसी की कैलकुलेशन को कंपेयर करके मैंने बताने की कोशिश की है, साथ में रिस्क कवर को भी दिखाया है। तो यह भी जो वीडियो है यह काफी उपयोगी है, इसका भी उपयोग करके आप कस्टमर को इंस्पायर कर सकते हैं, पॉलिसी के लिए सोचने पर आप विवश कर सकते हैं। इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है निश्चित रूप से आपके इनकम को इंक्रीज करने वाली होगी। आप इसका फायदा उठाकर अपने ग्राहक के साथ इन वीडियोस में बताई गई जानकारी को शेयर करके आप इसका उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर कई कॉम्बिनेशन प्लानिंग की वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, जो कि खासतौर से रिटायरमेंट प्लान, बच्चों की एजुकेशन के लिए हायर रिस्क कवर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। लेकिन निश्चित रूप से हो सकता है कि आप प्लान देख रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि यह प्लान इसमें कौन कौन से ऐड किए गए हैं। तो आप किस कॉम्बिनेशन प्लान की वीडियो के विषय में जानकारी चाहते हैं कि इस प्लान के वीडियो की जानकारी हम आपको सबसे पहले दें, तो यदि आप चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन प्लान हमारे चैनल पर है जिसका सबसे पहले आप चाहते हैं कि उसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाए, कि उसमें कौन से प्लान ऐड हैं, वो कैसे करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। लेकिन एक चीज कहूंगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, नई नई जानकारियों को आप अर्जित करते रहिए, उसको अपने कस्टमर के साथ डिस्कस कीजिए, और यदि कहीं समस्या आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप हमसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल के पहले यूजर हैं, अभी पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि खास तौर से अभिकर्ताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने यह चैनल बनाया हुआ है, आपके लिए बनाया है, ताकि आप अपनी एजेंसी में ग्राहकों की संख्या को बढ़ा सकें, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकें, कॉम्बिनेशन प्लान के जरिए कस्टमर को इंस्पायर कर सकें। तो इस उद्देश्य के साथ मैंने इस चैनल को बनाया है। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को क्लिक करना न भूलें। बेल के आइकन को क्लिक करने का फायदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके जरिए कि आप किसी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छी लगी है यार, तो एक बार क्लिक जरूर कर दीजिएगा, मतलब लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।